दोस्तों यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबको पता होगा दोस्तों पशु परिचर के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे दोस्तों पशु परिचर में राजस्थान जीके या पशुपालन से संबंधित जो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेक्शन में उनका रोल है, वैसे ही दोस्तों करंट अफेयर्स का रोल रहने वाला है। क्योंकि आपको सबको पता होगा एक एक नंबर दोस्तों लाखों बच्चों से आपको आगे ले जाएगा, और यदि एक या दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो आप हजारों लाखों बच्चों से पीछे चले जाओगे। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। यदि आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दो, क्योंकि यहां से दोस्तों यदि आप ज्यादा क्वेश्चन सही करते हो तो आप और बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो आज उसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर, जो भी आपके डाउट बन रहे हैं वो सभी मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। जैसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान की पढ़े या इंडिया की करंट अफेयर्स पढ़े, कितने महीने की करंट अफेयर्स हम पढ़े, बेस्ट बुक कौन सी है करंट अफेयर की, और अभी से पढ़े हम फिर बाद में पढ़े, तो सभी मुद्दे पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो उससे पहले चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों पहला हम डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पशु परिसर के अंदर जो करंट अफेयर्स आपका जो सब्जेक्ट बताया गया है दोस्तों भाग ए के अंदर, तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 से 12 क्वेश्चन आपसे करंट जीके के पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 10 भी हो सकते हैं या दोस्तों एक दो क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि 10 से लेकर 12 के आसपास क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो एक एक नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने आपका ये डाउट है वो क्लियर कर दिया है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स के वो आराम से पूछे जाएंगे। अगर डाउट आएगा वो डाउट ये आएगा कि करंट अफेयर्स हम पढ़े तो राजस्थान की पढ़े, इंडिया की पढ़े, या फिर हम कौन सी पढ़े, ये तो हमको बताया ही नहीं। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ोगे तो वहां पर राजस्थान समसामयिक लिख रखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो और आप राजस्थान ही राजस्थान के करंट अफेयर्स पढ़े, आपको राजस्थान की भी पढ़नी है और इंडिया की भी करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो वापस बोल रहा हूं, आप यदि पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, इसके अलावा इंडिया के जो करंट दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे भी आपको ध्यान देना है। तो आपको दोनों पढ़नी है, राजस्थान की पढ़नी है, इंडिया की पढ़नी है। तीसरे नंबर पे डाउट आ रहा है कि कितने महीने की हम पढ़े। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जो एग्जाम है पशु परिचर की वो दिसंबर के स्टार्टिंग में है, 1 2 3 4 4 दिसंबर तक आपकी एग्जाम लग जाएगी, 4 दिन तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। तो आपको जो पढ़नी है दोस्तों वो 1 साल की पढ़नी है। कितने दिन की पढ़नी है, 12 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 के बीच में जो भी महीने आ रहे हैं इनके बीच बीच ही करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। यदि आप 1 साल की पढ़ लेते हो, 12 महीने की पढ़ लेते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो दोस्तों 1 साल की पूछता है, राजस्थान पुलिस की तरह नहीं है कि 2018-19 की पूछ ली, इसमें ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें दोस्तों सिलेबस वो आपको बता दिया गया है, राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल का सिलेबस वो फिक्स नहीं होता, इस कारण से वहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को कंप्लीट करवाने वाला है। तो यहां पर आप यदि 1 साल की पढ़ लेते हो दोस्तों तो बहुत है, तो आपको 1 साल के करंट अफेयर्स वो तैयार करनी है, राजस्थान की भी, इंडिया की भी। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अगला नंबर आ रहा है कि बेस्ट बुक हमको बता दो करंट अफेयर्स की, बेस्ट बुक कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मार्केट के अंदर आप कोई सी भी बुक उठा लो दोस्तों, लेकिन पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि जो आप करंट अफेयर्स की बुक पढ़ रहे हो यदि वहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो दोस्तों रोजिना, तो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप दोस्तों महीने की पढ़ रहे हो कोई बुक से तो आप महीने की पढ़ सकते हो, अन्यथा आप पूरे साल की जो दोस्तों गाइड आती है वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन बेस्ट बुक दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन सी पढ़ सकते हो। ऐसे मार्केट में जो भी है वो सब बेस्ट है, लेकिन जो मूमल आती है दोस्तों उसके अंदर एक एक चीज बहुत बेहतरीन समझाते हैं, तो आप मूमल की करंट अफेयर्स की बुक है वो ले सकते हो। उसमें राजस्थान की भी और इंडिया की भी दोनों की दोनों आपकी तैयार हो जाएगी, तो आप मूमल है वो ले सकते हो। इसके अलावा जो भी आप लेना चाहो वो भी ले सकते हो। बुक दोस्तों सब अच्छी होती है, बस पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। तो बेस्ट बुक को लेकर भी मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया। अगला डाउट आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है, वो यही आ रहा है कि हम करंट अफेयर्स आज से पढ़े, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, अभी जून चल रहा है, तो अभी से हम पढ़े या फिर हम बाद में पढ़े। तो दोस्तों मैं आपसे हमेशा एक ही बात बोलूंगा, करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपको दोस्तों करंट अफेयर्स पे ध्यान वो नहीं देना है। आपको करंट अफेयर्स जो स्टार्ट करनी है
वो सितंबर के महीने से स्टार्ट करनी है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 90 दिन के अंदर दोस्तों आप 3 महीने में करंट अफेयर्स एक साल की रोजिना, यदि आप एक एक टॉपिक भी क्लियर करोगे ना तब भी आप आराम से पढ़ लोगे। तो वापस बोल रहा हूं, अभी अपना समय बर्बाद मत करना, अभी आपको क्या करना है, राजस्थान जी के बहुत बेहतरीन करनी है, मैथ साइंस और पशुपालन से संबंधित जो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। जो करंट अफेयर्स है यह आपको सितंबर के महीने से पढ़नी है। यदि आप अभी से पढ़ना चाहोगे, यदि आपको लगता है कि मैं अभी से बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहता हूं तो आप अभी से पढ़ सकते हो, अन्यथा मैं आपसे ये बोलूंगा कि करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सितंबर के महीने से इसको शुरू कर देना, क्योंकि आप अभी से करोगे तो दोस्तों रिविजन नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे। तो सितंबर के महीने में आप पढ़ोगे ना तो दिसंबर में एग्जाम है, और 2.5 से 3 महीने में करंट अफेयर्स आप एक साल के आराम से क्लियर करोगे। तो सितंबर के महीने से आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपको जो पकड़ बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है, भाग ए के अंदर कौन से सब्जेक्ट पे बनानी है और भाग बी के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट पे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपके जो भी डाउट आ रहे थे करंट अफेयर्स को लेकर वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि हम पशु परिचर की तैयारी अक्टूबर नवंबर में शुरू करेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, यदि आप अक्टूबर नवंबर में शुरू करोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर दोस्तों कंपटीशन भी अच्छा खासा है, 17 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और दिन रात एक करके बच्चे बहुत हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे बहुत पीछे हो जाओगे। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, यदि आपके अंदर डाउट है थोड़ा सा भी, तो भाई आप इसकी तैयारी मत करो। यदि आप लेना ही चाहते हो सिलेक्शन तो आपको आज से पढ़ना पड़ेगा, जून के महीने से, तब जाके आप 4 से 5 महीने में इसका सिलेक्शन वो आराम से वो ले सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को लेकर जो भी डाउट बन रहे थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इनके अलावा भी आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप पशु परिचर की बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।